उस व्यक्ति को जो कि मुंबई में पोस्टर लगवा रहा था सड़क पे मैक्रों के, आप बैठ के डिफेंड करते हैं। पात्रा को जब सुन लेता हूँ और उनके साथ कर लेता हूँ, नहीं इसका मतलब तो फिर हो गया कि आप साथ ही खलीफा हैं और बाकी सारे में से कोई स्लैक नहीं है जिससे बात की जाए। नहीं मैंने कहा कि बात नहीं कर सकता मैं तो संबित पात्रा से बात कर लेता हूँ। सॉरी सर, ये सॉरी सर, आप मेरे सामने निशाने मत रखिए। मैं आपको केवल ये कह रहा हूँ, अगर आपका स्लैक तरीके का है तो आप इस लायक नहीं है कि आपसे समाज में कोई बात करे सर। प्लीज नहीं, वो ठीक है, आप क्या अपनी तकरीरें करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला कीजिए, कोई आए तो सुन लीजिएगा। नहीं तो नमस्ते, नहीं सर नमस्ते, मेरी तरफ से आपको ये मैंने हाथ जोड़े, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। दूसरे का अपमान करने की अनुमति आपको नहीं दे सकता मैं इस तरीके से, तो बिल्कुल नहीं। और ये कहते हुए कि मैं लिबरल हूँ तब तो बिल्कुल नहीं, ये आपके लिबरल होने की पोल खोलता है। अभी क्या अभी कोई आपकी अभी क्या किसी बदतमीज आप ये बदतमीज, अरे अभी तो किसी ने बात नहीं की आपसे, आप बदतमीजी का सर्टिफिकेट अपने हाथ में लेकर बैठे लगातार बदतमीजी कर रहे हैं दूसरे को गाली देते हुए और खुद को आप लिबरल बताते हैं। एक भगोड़ा पेड एंटी इस्लामिस्ट है, उसे मैं बात नहीं कर सकता। आप जिस संगठन के लिए काम करते हैं उसके ऊपर क्या क्या आरोप है तस्लीम रहमानी, उसके बारे में अगर बताने लगूंगा तो लोग आपको आतंकवादी कहने लगेंगे, फिर क्या कीजिएगा? भाग गए आप, दूसरे को भगाड़ा बता रहे हैं, आप खुद भाग गए वहां से। बहरहाल ये तस्वीर कादरी मुझे बताइए, मैं बहुत सा सम्मान और पूरे के पूरे आदर के साथ पूछ रही हूँ, कहाँ है, किस कुरान की आयत में लिखा हुआ है कि मार डालो, काट डालो, गला इसका कलम कर दो क्योंकि हुजूर की इसने मुखालिफत की है? कहाँ लिखा है बताइए ना आप। ये पहले ये बताइए कि क्या वो सरकारी तौर पर सरपरस्ती में जो बिल्डिंगों पर कार्टून लगाकर नौजुबिल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून से मंसूब किया जा रहा है, ये सही है या गलत है? ज्ञान मत दीजिए आप बताइए। दीन को बहुत अच्छे से पढ़ने का दावा करते हैं, मुझे बस कुरान की आयत बताइए, कुरान की आयत बता दीजिए। मैं सब छोड़कर आप जिस राह पर मुझे चलने के लिए कहेंगे मैं उस राह पर चल लूंगी, सब छोड़कर। मेरा चैलेंज है मौलाना कादरी, मुझे ये आज आयत बता दीजिए जहां पर कहा गया है कि हुजूर की मुखालिफत करना या हुजूर का अपमान करना, उनका आदर नहीं करना आपको सर कलम करने की इजाजत देता है, आपको इंसान को मार देने की इजाजत देता है। मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, बता दीजिए मुझे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने एक मुसलमान को कत्ल किया, यहूदी और मुसलमान दोनों आए। कुरान की आयत बताइए, कुरान की आयत बताइए, समझने के लिए कुरान की आयत बताइए, वो हदीस मुझे बताइए मौलाना कादरी। मैं कह रही हूँ कोई इतना दम नहीं रखता है कि आज खुले में चैलेंज कर दे इस बात के लिए। सुदान शुक्रिया।